यूपी के बदायूं जिले में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू समुदाय की अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपित का नाम इमरान और पीड़िता का नाम आशा बताया जा रहा है। इस घटना की वजह आशा के आगे इमरान के शादीशुदा होने की बोल खुलना बताया जा रहा है। पीड़िता पर हमले में इमरान और उसके एक अन्य साथी जीशान को आरोपित बनाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना गुरुवार 2 जून की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से यूपी के अमेठी जिले की निवासी है। यहाँ के गांव गोदना के रहने वाले राम मिलन हरियाणा के गुरुग्राम के काम करते हैं। उनकी 18 साल की बेटी आशा भी उनके साथ ही रहती है। आशा घरों में खाना बनाने का काम करती थी। गुरुग्राम के ही हुड्डा बाजार में बदायूं के इस्लाम नगर कुंदावाली का रहने वाला इमरान एक सैलून पर काम करता था। आशा और इमरान की गुरुग्राम से मुलाकात हुई और कुछ समय बाद से मुलाकात प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद आशा इमरान पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन इमरान टालता रहा। आखिरकार बुधवार को इमरान ने आशा को बदायूं जिले में चलने के लिए कहा, जिस पर आशा तैयार हो गई। बाद में इमरान अपने साथी अनस के साथ आशा को लेकर गुरुवार को बदायूं पहुंचा। बदायूं में इमरान को रिसीव करने उसका साथी जीशान बाइक से आया। उसने इमरान और आशा को बाइक पर बिठा लिया। कुछ दूर आगे चलने पर सुनसुना में जीशान ने बाइक रोक दी और आशा को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब आशा ने इसका विरोध किया, तब इमरान ने जीशान से एक तमंचा लेकर आशा पर तान दिया। बताया जा रहा है कि तमंचे को देखते ही आशा डर कर भागने लगी। इस दौरान इमरान ने उस पर गोली चला दी। इमरान की चलाई गोली आशा के सिर को छू कर निकल गई, लेकिन इससे वो घायल हो गई। भागने के दौरान बदायूं बिजनौर मार्ग पर पड़ने वाले नट बाबा मंदिर के पास बेहोश हो गई। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आशा को अस्पताल पहुंचाया। आशा की तबीयत अब ठीक है। आशा को उनके घर भेज दिया गया है। शनिवार यानी 4 जून को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हमले में प्रयोग हुआ तमंचा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।